हे गाइस, हाउ आर यू। मेकअप करना तो हम सभी लड़कियों को बहुत ज़्यादा पसंद है, पर क्या आपको पता है कि मेकअप करने के भी कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स होते हैं, जो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप एक ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से फाउंडेशन कैसे लगा सकते हैं। सो अगर आपको जानना है तो कीप वॉचिंग। सबसे पहले मैं यहाँ एक ब्यूटी ब्लेंडर ले रही हूँ। देख, जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने यहाँ हुडा ब्यूटी का ब्यूटी ब्लेंडर लिया है। तो सबसे पहले हमें इस ब्यूटी ब्लेंडर, आप इसका साइज़ देख लीजिए, ये बहुत ही छोटा सा है, पर अभी मैं इसे पानी में डिप करूँगी तो आप देखिएगा इसका साइज़ कितना ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। पानी में डिप करते ही ये सारा पानी एब्जॉर्ब कर लेता है, और इसलिए इसका साइज़ बहुत ही ज़्यादा फ्लफ़ी और बहुत बड़ा हो जाता है, जो मेकअप पे बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। तो मैं इसे थोड़ी देर के लिए डिप करके रख दूँगी। तब तक अपने फेस को प्राइम करना ज़रूरी है, तो मैं प्राइमर यूज़ कर रही हूँ। प्राइमर के लिए मैं यहाँ पतंजलि का एलोवेरा जेल यूज़ कर रही हूँ, और इसे बहुत ही अच्छे से अपने फेस को प्राइम कर लूँगी, ताकि जो ब्यूटी ब्लेंडर है मैं उसे एक अच्छा चांस दे पाऊँ मेरे फेस पे मेकअप करने के लिए। सो मेक श्योर कि आप मेकअप से पहले प्राइमर ज़रूर लगाएं। प्राइमर नहीं है तो पतंजलि एलोवेरा जेल इज़ द बेस्ट ऑप्शन। तो यहाँ मैंने अच्छे से एलोवेरा जेल लगा लिया है, मेरी स्किन पर एब्जॉर्ब हो गया है एलोवेरा जेल, और अब मेरी स्किन फाउंडेशन लगाने के लिए रेडी है। तो अब हम ब्यूटी ब्लेंडर को देखेंगे कि इसका साइज़ कितना बड़ा हो गया है। काफ़ी बड़ा हो गया है ब्यूटी ब्लेंडर का साइज़। अब हम इससे पानी अच्छी तरीके से इसे पानी निचोड़ लेंगे, ताकि इसमें ज़रा सा भी पानी ना बचे। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने इसे अच्छी तरीके से निचोड़ा है। इसमें आपको बिल्कुल भी पानी नहीं रखना है। पानी, अगर इस पे पानी रहा तो आपका मेकअप बहुत ही ज़्यादा केकी लगेगा। तो मेक श्योर करें कि आप ब्यूटी ब्लेंडर से पानी अच्छी तरीके से निचोड़ कर ही मेकअप स्टार्ट करें। तो जैसा कि आपने देखा, मैंने अच्छी तरीके से निचोड़ लिया है सारा पानी। अब मैं यहाँ लैक्मे का परफेक्टिंग लिक्विड फाउंडेशन ले रही हूँ। मेरा शेड है नेचुरल शेल फॉर व्हाइटिश स्किन। तो यहाँ मैंने फाउंडेशन ले लिया है बैक ऑफ द हैंड पर। उसके बाद आपको स्पंज की हेल्प से फाउंडेशन अपने फेस पर नहीं लगाना है। आपको अपनी फिंगर टिप से अच्छी तरीके से पूरे फेस पर फैला देना है फाउंडेशन, ताकि ब्लेंडिंग करने में आपको बहुत ही ज़्यादा आसानी हो। तो मैंने यहाँ अच्छी तरीके से फेस पर लगा लिया है। एक अच्छी कवरेज पाने के लिए आपको अच्छा सा कोट लगाना पड़ेगा फाउंडेशन का। तो मैंने यहाँ अपना जो डिप किया हुआ जो स्पंज है मेरा, मैंने उसे ले लिया है, और अब मैं इसे डैब 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 की मोशन में अच्छी तरीके से ब्लेंड कर लूँगी। मेक श्योर करें कि आप इसे डैब 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 ही करें। अगर आप इसे रगड़ेंगे तो आपका मेकअप बहुत ही ज़्यादा केकी लगेगा। आपको रगड़ना बिल्कुल नहीं है, जैसा कि मैं कर रही हूँ, हल्के हाथों से आपके अपने फाउंडेशन को स्किन पर लगाना है, बहुत ही हल्के आँच। जो काम है आपका ब्यूटी ब्लेंडर आराम से कर देगा। आपको सिर्फ ब्यूटी ब्लेंडर को हल्के हाथों से लगाना है, डैब 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 करना है। जैसा कि आप देख रहे हैं, कितना अच्छा कवरेज आया है। ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से अगर आप फाउंडेशन लगाते हैं तो एक इवन टोन होता है आपकी स्किन की। सारे कॉर्नर्स भी आपको अच्छे से लगाने हैं, फोरहेड पर भी, और बालों के कोने में भी आपको छोड़ना नहीं है, नहीं तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब लगेगा। अच्छी तरीके से ब्लेंड कर लेंगे फाउंडेशन को। फाउंडेशन को अच्छी तरीके से ब्लेंड करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो हमारा मेकअप केकी लग सकता है, जो कि हम बिल्कुल नहीं चाहते हैं। अब मैंने यहाँ स्पंज के जो कॉर्नर पॉइंटेड जो हिस्सा है स्पंज का, उसकी हेल्प से मैंने आईज़ की जो कॉर्नर है, नोज़ की कॉर्नर है, मैंने उससे वो लगा लिया है। और जो फ्लफ़ी साइड है जो आपका स्पंज का, उससे आपको फेस और फॉरहेड में और चिक्स में और चिन पे लगाना है। अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि आपको ब्यूटी ब्लेंडर किस तरीके से यूज़ करना है। बहुत ही ज़्यादा सिंपल स्टेप्स हैं। अगर आप मेरे बताए हुए तरीके से फॉलो करेंगे तो आपका मेकअप बहुत ही ज़्यादा फ्लॉलेस होगा।
जैसा कि आप देख सकते हैं कितना अच्छा कवरेज दिया है मेरे स्पंज ने और मेरे फाउंडेशन ने ऑफ कोर्स। अब मैं यहाँ स्विस ब्यूटी का ड्यूअल कंसीलर लिक्विड एंड स्टिक ले रही हूँ। मैं यहाँ लिक्विड वाला पार्ट यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो आप क्रीम वाला भी यूज़ कर सकते हैं। आपके पास जो कंसीलर है आप वही यूज़ करें, ज़रूरी नहीं है कि मैं जो बोल रही हूँ वही आपको यूज़ करना है, आपको जो सूट करता हो। मेरा इसमें शेड है 03। अच्छी तरीके से हमें जहाँ जहाँ थोड़ा सा हाइलाइटिंग चाहिए, जहाँ जहाँ थोड़ी डार्कनेस है, डार्क स्पॉट है, मैं वहाँ वहाँ लगा रही हूँ। लिप्स के कॉर्नर में, आईज़ के नीचे, फॉरहेड पे, ब्रिज ऑफ द नोज़ पे, चिन पे, क्यूपिड्स बो पर अच्छे से आपको अब ब्लेंड कर लेना है। पहले हम लिप्स के कॉर्नर्स को ब्लेंड करेंगे, आईज़ को हम थोड़ी देर के लिए सूखने देंगे एक अच्छे कवरेज के लिए। अच्छे से ब्लेंड कर लीजिए डैब 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 मोशन में, बिल्कुल वैसे जैसे आपने फाउंडेशन को ब्लेंड किया था। पर इसको आपको पूरे फेस पर नहीं लगाना है, आपने जहाँ जहाँ लगाया है वहीं आपको ब्लेंड करना है। जैसा कि आप देख रहे हैं मैं पूरे फेस पर नहीं लगा रही हूँ क्योंकि मुझे सिर्फ हाइलाइटिंग पॉइंट्स पर ही फोकस करना है कंसीलर को। अगर आप पूरे फेस पर कंसीलर लगाएंगे तो कंसीलर लगाने का कोई मतलब नहीं बनेगा। अच्छी तरीके से अब आईज़ के कॉर्नर्स में भी आपके डार्क सर्कल्स को अच्छी तरीके से हाइड करिए। डैब 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 मोशन में ही करना है आपको। फिर जितना भी आपके स्पंज पे बचा हुआ प्रोडक्ट रहेगा आप उसे अपने पूरे फेस पर डैब 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 कर सकते हैं एक इवन टोन पाने के लिए। देख सकते हैं मेरी स्किन कितनी ज़्यादा फ्लॉलेस लग रही है। यह है मेरा फाइनल लुक, थोड़ा सा लिपस्टिक, थोड़ा सा ब्लश और थोड़ा सा आईलाइनर और कुछ भी नहीं लगाया है मैंने। आपको ये लुक कैसा लगा गाइस कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। लव यू ऑल, बाय बाय।